बहुत 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 लोगों का फेवरेट क्वेश्चन और बहुत लोग जानना चाहते हैं ये क्वेश्चन, ये है कि कितना पैसा कमाती हो यूट्यूब से। बहुत बहुत लोग मुझे पूछते हैं तुम कितना पैसा कमाती हो, तुम कितना पैसा, देखो आप सबको जोहार, मेरा नाम है मनीषा लकड़ा और मेरे चैनल द ट्रैवल गर्ल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है, आज का ये वीडियो YouTube रिलेटेड काफी लोगों का काफी क्वेश्चन है मेरे से, तो मैं सोची क्यों ना इसके लिए एक वीडियो ही बनाऊं। काफी लोगों का काफी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप YouTube से क्या इनकम करती हो, कितना इनकम करती हो, कैसे इनकम होता है, ये सब काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि मेरे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो सोची इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे व्यूअर्स है जो कि यूट्यूबर है, तो उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। सो आज के पूरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस जो है आज मैं आंसर देने वाली हूँ और आप लोगों के काफी सारे जो डाउट है वो आज क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप यूट्यूब से पैसा कमाती हो, तो इसका आंसर ये है कि हाँ, मैं पैसा कमाती हूँ यूट्यूब से। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, वैसे भी मैं कोई बड़ी मुकाम हासिल अभी तक नहीं की हूँ और वैसे भी मेरे ख्याल से मुकाम हासिल करने का कोई मतलब एक वो नहीं होता, पर्टिकुलर कुछ होता नहीं है कि हाँ मुकाम हासिल हो गया बात खत्म। अगर कुछ हासिल करना है वो हासिल करने के बाद में और इच्छा रहती है कि इससे भी बड़ा मुकाम और हासिल करना है बोल के, तो अभी भी बहुत कुछ करना है। बस आप लोगों का ऐसे प्यार और सपोर्ट अगर रहेगा तो काफ़ी आगे जा सकती हूँ। सो काफ़ी लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट अभी तक बना हुआ है, ऐसे प्यार और सपोर्ट आगे भी बना रहे यही आशा रखूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, क्या मुझे यूट्यूब में चैनल खोलना चाहिए? तो बहुत कोई लोग बहुत वीडियोस शूट करते हैं, मैं देखती हूँ मेरे सोशल मीडिया में भी ऐसे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी वीडियो शूट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, और काफ़ी ऐसे दोस्त लोग भी हैं जो कि घूमने जाते हैं वीडियो शूट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल खोल लूँ, मैं वीडियो तो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है तो नहीं, यूट्यूब में कर सकते हो, लेकिन अगर आप YouTube से पैसा भी इनकम करने का आप सोच रहे हो ऐसे करके, तो फिर ये गलत होगा क्योंकि YouTube बोलता है मतलब टाइम दो मुझको। जैसे कि आपने एक दिन वीडियो डाला, फिर एक साल बाद वीडियो डाला, या फिर तीन चार महीना बाद वीडियो डाला, तो आपको YouTube से पैसा इनकम कर नहीं सकते। एकदम क्लियर बात है, आप कर नहीं सकते। YouTube में अगर आपको पैसा इनकम करना है तो जैसे आप ऑफिशियल जॉब करते हो, ऑफिस में जॉब करते हो, वैसा आपको थोड़ा होने से भी हर दिन एक घंटा या दो घंटा उनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, बाहर से लगता है कि वाह कितना मस्त है लोग YouTube से इनकम कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्रिएटर को भी सोचना पड़ता है कि कैसे वीडियो बनाए, कैसे शूट करे, कौन सा वीडियो टॉपिक होगा, एडिट वगैरह शूट, बहुत कुछ लेके बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके YouTube में वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये इतना इजी नहीं है और ये नहीं बोलूँगी कि आपके लिए YouTube नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आइए, आप YouTube में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है आपको मेंटेन रखना है, आपको कंटिन्यू रखना है, तभी जाके आप वीडियो भी डाल सकते हो, मतलब डालना तो आप है ही, प्लस आपको इनकम भी आने लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यूज पे कितना पैसा कमाती हो, कितने व्यूज पे कितना पैसा, ये अभी वैसा नहीं कहा जाएगा क्योंकि YouTube का काफी ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि हर यूट्यूबर सेम कमाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई टेक चैनल अगर 1000 व्यूज़ में अगर $1 कमा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर यूट्यूबर 1000 व्यूज़ पे $1 ही कमाए। तो फिर एक्चुअली ऐसा होता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप के वीडियोस बनाते हो, और व्यूज़ पे नहीं मिलता है, मिलता है एडवर्टाइजमेंट में। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लोग एक व्यू कर रहे हैं लेकिन एक एड देखे, और कभी कभी क्या होता है कि एक बार वीडियो देखे, मतलब एक वन व्यू हुआ प्लस आप उसने दो बार उनको देखने मिला एड, कभी कभी दो बार दिखाता है, कभी कभी एक बार दिखाता है, तो वैसा काउंट होता है, व्यूज पे काउंट नहीं होता, काउंट होता है एडवर्टाइजमेंट में। तो
हाँ ये, लेकिन ये गलत फहमी मत रखिएगा कि व्यूज पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में होता है। ओके तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कितना सब्सक्राइबर होने पर पैसा मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सब्सक्राइबर तो इतना इतना पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइबर होता है हमको लोग जुड़ते हैं, जैसे कि मेरा परिवार, मेरा परिवार में एक आया, ठीक है दो आए, तो वैसे YouTube भी एक परिवार जैसा है। YouTube में क्या होता है कि अगर मुझे एक जन सब्सक्राइब किया तो एक सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद में दो हुआ, दो जन सब्सक्राइब किए तो दो सब्सक्राइबर, तो क्या हुआ मेरे YouTube फैमिली में दो मेंबर हुए, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइबर 1,000, 2,000, 3,000 होने पे उस टाइप से पैसा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी बहुत लोगों को होती है कि व्यूज पे और सब्सक्राइबर में डिपेंड करता है, और व्यूज पे बहुत डिपेंड करता है लेकिन सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता है। सब्सक्राइबर पे डिपेंड करता है कि 10 लाख होने से यूट्यूब की तरफ से एक सिल्वर पैलेट मिलता है, सिल्वर फ्रेम मिलता है, कुछ ऐसा तो गिफ्ट टाइप का कि हाँ आपने वो अचीवमेंट किया है, इसलिए इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब की तरफ से मिलता है कुछ गिफ्ट, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो बस यही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। बहुत 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 लोगों का फेवरेट क्वेश्चन और बहुत लोग जानना चाहते हैं ये क्वेश्चन, ये है कि कितना पैसा कमाती हो यूट्यूब से। बहुत बहुत लोग मुझे पूछते हैं तुम कितना पैसा कमाती हो, तुम कितना पैसा। देखो यूट्यूब जो है ना एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जो वीडियो देख रहे हो, आपने जो एडवर्टाइजमेंट देखा उससे मुझे पैसा मिला, ठीक है। और इसका भी ऐसा नहीं कि हाँ आराम से एक अपने एडवर्टाइजमेंट देखा बस मेरे बैंक में आ गया पैसा, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है आपका किस टाइप का चैनल है और किस टाइप का ऐड आप देख रहे हो और उस ऐड पे कितना पैसा आपको मिल रहा है। बहुत 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 कुछ है इसमें झोल झमेला, जो कि आपको मैं अगर अभी समझाने चाहूँगी तो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। सो मैं आप अभी जो है सिंपल एंड क्लियर भाषा में, लैंग्वेज में समझा रही हूँ। यूट्यूब से जो है, जो नए क्रिएटर है वो जब मोनेटाइजेशन अपना ऑन करते हैं यूट्यूब में, तब उनका पैसा इनकम करना स्टार्ट होता है, जो कि मेरा भी हो गया है। तो होता ये है कि आपको मिनिमम आपको $100 करना है, तब वो जो $100 है मिनिमम आपको करना है, उससे मैक्सिमम जितना भी कर सकते हो। तो जब आपका $100 हो जाएगा तो फिर वो पैसा जो है वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा करके इनकम होता है यूट्यूब में। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक हर महीना कमा रहे हो $100, कभी ऐसा होता है दो महीना में टाइम लग जाता है $1 करने के लिए, कभी कभी तीन महीना, कभी कभी चार, कभी कभी छः, ऐसे करके। लेकिन जब आपका मिनिमम $100 हो जाता है तो वो पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और मैं कितना कमाती हूँ मैं इतना क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन जो बोली उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे ज़्यादा ही कमाती हूँ, जितना आप लोगों को भी मैं बताई इससे ज़्यादा, क्योंकि उससे कम होने से तो बैंक में आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो इससे ज़्यादा ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जाता है? यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है कि यूट्यूब में अपने चैनल खोल लिया, ठीक है, उसके बाद में आप वीडियोज़ डालो, ठीक है। वीडियोस के साथ में आपको बहुत कुछ, वीडियो का कंटेंट में आपको ध्यान देना है, क्वालिटी में ध्यान देना है, वीडियो आपने अच्छे से एडिट कर लिया उस पर ध्यान देना है, कैसे एडिट करना नहीं करना इस पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपको जो करना है टाइटल आपको सही रखना है, टैग्स आपको सही डालना है। आपको शुरू के टाइम में आपने सोशल मीडिया का मतलब डिपेंड कीजिए उस पर, क्योंकि उस पर शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए शेयर करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, क्योंकि शुरू में ही YouTube ढेर सारे लोगों के पास में नहीं भेजता है, टाइम लगता है धीरे धीरे करके। और कभी कभी क्या होता है कि कोई वीडियो आपका बहुत अच्छा बहुत मस्त बनाए तो वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा व्यूज़ पा जाता है, इसीलिए अगर आप अच्छे क्रिएटर हो, अच्छा वीडियो बना रहे हो तो जल्दी से व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। लेकिन आप हार मत मानिए, मेरा भी ऐसा काफ़ी ऐसा हुआ था कि व्यूज़ ही नहीं आते, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, मुझे लगता था मेरे से नहीं होगा, लेकिन नहीं, मैंने हार नहीं माना। मैं वीडियो डालती गई
फिर एक दिन मुझको मॉडर्नाइजेशन और मेरा हो ही गया, वो जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया। सो हाँ यू और जो है ना YouTube चैनल, मतलब चैनल बना लिए उसके बाद में, ये सब करने के बाद में जो जो करना है वो करने के बाद में आपको फोकस रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि व्यूज़ चाहिए। 365 डेज में आपको 4000 घंटा वॉच टाइम जो है आपको पूरा करना है और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा करना है। तो वो पूरा करना मामूली बात नहीं है, मेरे लिए मामूली बात नहीं थी, कई लोगों के लिए बहुत मामूली सा लगता है लेकिन मेरे लिए नहीं थी। तो बहुत मेहनत लगता है, अगर आपने सही से मेहनत किया तो वो जल्दी हो जाता है, और ऐसा नहीं बोलूंगी कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन बस आपका मेहनत में वो डिपेंड करता है। सो हाँ, अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए यूट्यूब रिलेटेड, क्योंकि मैंने फेस किया है, मैं जानती हूँ क्या क्या चीज़ जितना क्या क्या चीज़ कैसे करना है नहीं करना, और मैं जितना आप लोगों के साथ में हो सके शेयर करने की कोशिश करूँगी जितना मुझको पता है। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कौन सा रिलेटेड चैनल बनाना चाहिए, ये भी मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सा चैनल बनाऊँ जिससे मेरा चैनल ग्रो कर जाए। तो एक्चुअली जो है, मैंने जो देखा है टेक रिलेटेड चैनल जो है उसमें ज़्यादा इनकम होता है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है टेक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं बोलूँगी आपके लिए नहीं है। जो चीज़ आपको आता है, मान लीजिए आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आता है तो वो आपके लिए है, मान लीजिए आपको गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, तो इस टाइप का वीडियोस आप डालिए अपने यूट्यूब में। जो चीज़ आपको पसंद है उस लाइन को पकड़ के आप जाएंगे तो आपको कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ऐसा मत सोचिए कि हाँ वो टेक चैनल से ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो मैं भी टेक चैनल ही बनाऊँगा या मैं टेक चैनल शुरू करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पे चैनल बनाइए और उस पे काम कीजिए, आप ज़रूर से ज़रूर जो है कामयाबी हासिल करेंगे, ठीक है? सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताने के लिए मैं पिक की थी। अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है YouTube रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को ज़रूर से रिप्लाई करूँगी या ज़रूर से हेल्प करूँगी। सो ये था मेरे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया होगा। सो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जानना था और मैंने बोला, ये ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझको ज़्यादा पता चलता है अच्छे से कि हाँ इस क्वेश्चन का डिमांड ज़्यादा था। तो फिर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा बैंक UPI एड्रेस जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली भी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय और एक बार जोहार, अपना ध्यान रखिएगा।